लर्न इंग्लिश के इस वीडियो सीरीज में वीडियो नंबर 9 पर आ गए हम लोग और अब तक हमने सीखा कैसे डेली रूटीन बताते हैं, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। आपने ये भी सीखा कल किसी काम को कैसे किया, आप गए, उसने देखा, उसने बताया। आपने सीखा कि फ्यूचर में जो एक्शन होगा उसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे। फिर हमने बात की कैपेसिटी की, एबिलिटी की, हमने बात की पॉसिबिलिटी की। फिर हमने सीखा रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, मुझे 500 रुपये दे दो, मेरी मदद कर दो, ये सारी चीज़ सीखी हमने। और नहीं सीखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए और सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ पिछली 8 वीडियो देखनी है आपको, 9th में आज करा रहा हूँ आपसे। आज हम क्या सीखने वाले हैं, सिंपल। अगर आप किसी काम को करते हो ये तो हो गए आपकी हैबिट रूटीन, पर अगर आपको ये बताओ ना इस वक्त आप क्या करो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो काम ऑन गोइंग है ना भाई साहब, चल रहा है काम, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। बगल में आपके कोई खेल रहा है तो इसको कैसे बोलेंगे। पापा मम्मी या कोई भी घर में सो रहा है तो कैसे बोलेंगे। यानी हमको अब सीखना है किसी काम जो कि जारी है, जो कि कंटिन्यू है, तो कैसे बोलते हैं। ये सबसे आसान स्ट्रक्चर है, सिंपल है। आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे गो है तो गोइंग हो जाएगा, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, थिंक है तो थिंकिंग है, डांस है तो डांसिंग हो जाएगा, सिंपल। लेकिन प्रेजेंट में हमें इससे पहले इज एम आर का इस्तेमाल करना, यानी आईएनजी फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आएगा, साथ में कुछ ना कुछ को चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहना हो कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग वीडियो, सिंपल है। अगर मैं अपनी आदत की बात करता कि मैं हफ्ते में एक वीडियो बनाता हूँ, इसका मतलब वो काम अभी नहीं चल रहा ना, आई मेक वन वीडियो इन अ वीक। लेकिन मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, सिंपल है यार। अगर आपको कंटिन्यू फॉर्म बताना है तो आईएनजी फॉर्म इज एम आर के बाद। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आप जा रहे हो, यू आर गोइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, मैं कुछ सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग समथिंग, बहुत ईजी है। अब बात करते हैं पास्ट के। पास्ट में क्या है, जो काम अभी कर रहा हूँ मैं, अगर कल इसके बारे में बताऊँगा तो मैं पढ़ रहा हूँ तो कल मैं कैसे बोलूँगा, मैं पढ़ रहा था। अगर मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ और ये बात मैं कल बताऊँगा तो कैसे बताऊँगा, मैं कल वीडियो बना रहा था। तो पास्ट में भी कंटिन्यू काम हो सकता है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो प्रेजेंट में इज एम आर, फिर आई एन जी फॉर्म, पास्ट में वाज हुआ, फिर आई एन जी फॉर्म। ये आपको ऑलरेडी पता है, आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सबके साथ डब्ल्यू ई आर यू वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, वह कुछ सोच रही थी, सी वॉज थिंकिंग समथिंग, बहुत आसान स्ट्रक्चर है। सेंटेंस नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना, अगर प्रेजेंट में मैं नहीं सोच रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा, तो नॉट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, कभी अकेला करते हैं हम लोग, क्या हम बोल सकते हैं आई एम नॉट थिंकिंग, सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। कि नॉट की पहली शर्त है कि मैं वक्त में कभी भी अकेले नहीं आऊँगा। आई एम नॉट थिंकिंग, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट डांसिंग, ही इज़ नॉट कमिंग माई होम, सिंपल है। पास्ट में क्या करेंगे, ही वॉज नॉट गोइंग, ही वॉज नॉट थिंकिंग, ही वॉज नॉट डांसिंग, ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर मी, बहुत ईजी है। अभी तक हमने सीखा कंटिन्यू में कैसे हम लोग सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, और अब हम सीखेंगे क्या, इंटरोगेटिव क्वेश्चन। आपको पता है दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं, एक जो क्या से, जैसे क्या आप खेल रहे हो, क्या आप जा रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप उसकी मदद कर रहे हो। तो जब क्या से किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर को निकाल के पहले लगा लेंगे। हर मिसाल हमने ऐसे ही किया, कभी हमने कैन को बाहर निकाला, कभी हमने कुड को बाहर निकाला, हमने डू डज डिड सबको बाहर निकाला, यानी जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब निकाल के बाहर लाना है। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ क्या पढ़ रहे हो, आर यू लर्निंग, आर यू रीडिंग, क्या आप कुछ सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग समथिंग, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हो, आर यू वेटिंग फॉर मी, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या वह किसी से मिलने जा रहा है, इज ही गोइंग टू मीट समबडी, मैं क्या कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल रहा हूँ। पास्ट में भी तो हो सकता है ना क्वेश्चन, तो इज एम आर के बदले क्या बाहर निकालोगे, पास्ट में वॉज में निकाल दो, क्या आप उसकी मदद कर रहे थे, वो यू हेल्पिंग हिम, क्या वह आपको गाली दे रहा था, वॉज ही अब्यूजिंग, सिंपल है। लास्ट में हाँ, साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर पुट करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास दो ही तरीके का होता है, एक हमने प्रैक्टिस कर लिया, एक बाकी रह गया। आप किसी को जब ये बोलते हैं क्या आप सोच रहे हो, इसकी जगह आप ये भी तो बोल सकते हो ना, आप क्यों सोच रहे हो भाई, क्या आप वहाँ जा रहे हो, आप ये भी तो बोल सकते हो ना, आप कहाँ जा रहे हो। जब क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग को निकाल के हम बाहर ले आए, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर लेकिन सेंटेंस क्या से नहीं स्टार्ट है,
इस बार क्यों से स्टार्ट है, कहां से स्टार्ट है, कब से स्टार्ट है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब तो बाहर लाना है, इज एम आर वाज बाहर लाना है, उससे पहले उन सेंटेंसेस को भी लिखना है जिससे क्वेश्चन बनता हो। जैसे मैंने कहा क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, अब मैं कह रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हो, तो आज से पहले वेयर लिख दो ना यार, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, वेयर आर यू गोइंग, आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, कौन जा रहा है, हु इज गोइंग, कौन खेल रहा है, हु इज प्लेइंग, आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, इन विच कॉलेज आर यू टेकिंग एडमिशन। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कौन झूठ बोल रहा है, हु इज टेलिंग अ लाई। पास्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, कौन जा रहा था, हु वॉज गोइंग, कौन झगड़ रहा था, हु वॉज फाइटिंग, सिंपल है। इसी तरह से इंग्लिश सीखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बी बिजी, मेक योर लाइफ इजी।